बहुत साल पहले की बात है, एक बड़े से झील के किनारे एक मछुआरों का गांव था। उस गांव में बलदेव नाम का एक मछुआरा रहता था। वो कामचोर और लालची किस्म का आदमी था। वो सोचता, काश इस देश के राजा की तरह मेरे पास भी राजमहल होता, खूब सारा धन दौलत होता, तो मैं भी बिना काम किए आराम से रहता। एक दिन घर में चावल का एक दाना भी नहीं था, तो उसे मछली पकड़ने निकलना ही पड़ा। आज तो जाना ही पड़ेगा झील में, देखते हैं कौन सी मछली पकड़ पाता हूँ। उसने मछली पकड़ने वाला जाल नाव में डाला और झील के बीचों बीच पहुँचा। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, उसके जाल में एक मेंढक ही फंसा। मेंढक देखते ही उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा। अरे फंसा तो फंसा एक मेंढक, इसे तो मैं आज मार कर ही रहूंगा, मछली के बदले मेंढक। वो एक डंडे से मेंढक को मारने ही वाला था कि मेंढक बोल उठा, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो, लेकिन मुझे मार डालोगे तो ये सब नहीं जान पाओगे कि कैसे तुम बेशुमार दौलत के मालिक बन सकते हो, अब तुम्हारी मर्जी। ये सुनते ही बलदेव के हाथ रुक गए। उसने बड़े प्यार से मेंढक को जाल से अलग किया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, ये लो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब बताओ सारे राज की बात जो तुम जानते हो, और मैं जिसे अमीर बन जाओ और मुझे कोई काम ही न करना पड़े। मेंढक उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर किसी भी तरह तुम उस खजाने को ले आने में कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारी मौत वहीं हो जाएगी। ठीक है बता तो सही। झील के बीचों बीच पानी के अंदर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को हटाओगे तो तुम्हें एक सुरंग दिखाई देगा, उसी सुरंग के रास्ते तुम्हें आगे निकलकर गुप्त खजाने तक पहुंचना है। वहाँ एक गुप्त दरवाजा है, उस दरवाजे पर एक सोने के मेंढक की मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को छूना है, दरवाजा खुल जाएगा और अंदर हीरे जवाहरात सोना भरा पड़ा मिलेगा, जितनी मर्जी चाहे ले लो, लेकिन ध्यान रहे लालच में उस सोने के मेंढक की मूर्ति को उखाड़ कर साथ में नहीं लाना है, अगर उखाड़े तो निकलने का रास्ता बंद और तुम्हें वही जिंदगी भर सड़ते सड़ते मरना पड़ेगा। बलदेव ये सब सुनकर अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहा था। हाँ एक बात और, तुम्हें ये सारा काम रातों रात करना है। बलदेव ने हामी भरी और मेंढक को छोड़ दिया। उसने अगली रात निकलने का फैसला किया। ये रात और दिन भी कितने बड़े होते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते। अगली रात वो छुपते छुपाते झील के किनारे पहुँचा, फिर अपनी नाव लेकर पहुंचा बीचों बीच स्कूबा डाइवर का सूट पहनकर, जिसमें पीठ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा था, चेहरे पर ऑक्सीजन का मास्क था और साथ में था एक बड़ा सा थैला जिसमें वो खजाना लाने वाला था। वो पानी के अंदर कूद पड़ा। पानी के अंदर झील के नीचे मेंढक के कहे अनुसार एक बड़े से काले पत्थर को देखा। जोर लगाकर उसने उस पत्थर को हटाया। सामने था एक सीढ़ियों वाला सुरंग। वो सीढ़ियों के रास्ते उतरता चला गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। बलदेव मन ही मन बोला, सारा कुछ सही सही हो रहा है, मेंढक ने झूठ नहीं कहा था। धीरे धीरे वो दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे पर वही सोने के मेंढक की मूर्ति लगी थी जिसके बारे में मेंढक ने कहा था। उसने सोने के मेंढक पर हाथ फेरा, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। बलदेव ने अंदर देखा तो चारों ओर हीरे जवाहरात लदे पड़े थे, उनसे चारों ओर उजाला हो रखा था। बलदेव पागलों की तरह अंदर दौड़कर घुसा। इतना खजाना देखकर वो बेचैन हुआ जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कभी उन पर लेटता, कभी उनको गले लगाता, कभी उनको चूमता और कभी रोता। वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। अरे अरे अरे, मैं राजा हूँ, मैं दुनिया में सबसे अमीर हूँ, ये सारा धन दौलत सिर्फ मेरा है, मैं दुनिया को इससे खरीद लूंगा, सारे लोग मेरे गुलाम बनेंगे। और हकीकत में बलदेव इतना धन देखकर पागल हो चुका था
उसने जैसे तैसे अपने थैले में हीरे जवाहरात सोना ठूस ठूस कर भरा। उसे जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, फिर भी जाना तो था ही। किंग जाते जाते उसने वही गलती कर डाली जिसकी चेतावनी मेंढक ने दी थी। उसका लालच इतना बढ़ गया था कि उसने जाते समय उस सोने के मेंढक को दरवाजे से उखाड़कर अपने थैले में डाल लिया। पागलपन में वो भूल गया था कि ये काम उसे नहीं करना है। फिर क्या था, एक जोर के गड़गड़ाहट की आवाज आई, पत्थर टूटकर बिखरने लगे, सीढ़ियों का निकलने का रास्ता टूटकर बंद हो चुका था। बलदेव को तब समझ आया कि क्या हो चुका है। उसने बहुत हाथ पांव मारे और साथ ही बहुत जोर जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, निकालो यहाँ से, भगवान के लिए मुझे निकालो, बचाओ। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। हमेशा के लिए बलदेव वहीं दबकर रह गया और हो गया लालच का दर्दनाक अंत। तो दोस्तों, लालच का अंत बड़ा ही दुखदाई होता है। ये कहानी रामलाल नामक एक आदमी की है जिसके पास एक उड़न खटोला रिक्शा था जिसे वो हवा में भी तेज चलाया करता था और उससे लोग काफी परेशान रहने लगे थे। गांव वाले उससे बोलते, अरे रामलाल, जरा गाड़ी धीरे चलाया कर, कहीं एक्सीडेंट हो गया ना तो तुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं बहुत ही अच्छा ड्राइवर हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है गाड़ी कैसे कंट्रोल की जाती है। वो तो वक्त पर ही पता चलेगा, वैसे भी हर किसी को पहले से पता नहीं होता है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, समझे? हाँ हाँ, मुझे मत सिखाओ, मुझे अच्छे से मालूम है। और रामलाल अपने रिक्शा को लेकर वहाँ से तेजी से दूसरी तरफ आ निकलता है। रामलाल रास्ते में लोगों के सामने जोर जोर की आवाज लगाने लगता है, उड़ने वाले रिक्शा में बैठो, जल्दी से तुरंत घर पहुँच जाओगे, जल्दी जल्दी बैठो उड़ने वाले रिक्शा में। ये सुनकर एक आता हुआ परिवार में से एक बच्चा बोलता है, पापा पापा चलो ना उड़ने वाले रिक्शा में बैठेंगे। ठीक है बेटा, अभी चलते हैं। सोनमपुर चलोगे क्या? हाँ भैया, जरूर चलेंगे। कितने लोगे? बस 200 रुपए। ठीक है चलो। अच्छा, ये उड़ेगा ना? हाँ हाँ जरूर उड़ेगा, मैं इसे उड़ा के ले जाऊंगा। इतना बोलकर वो रामलाल रिक्शा का मीटर ऑन करता है और तेजी से गाड़ी को दौड़ाने लगता है। पीछे बैठे सब डर जाते हैं और रोकने के लिए चिल्लाने लगते हैं, रुको रुको, पर रामलाल किसी की नहीं सुनता है और तेजी से वो चलाता रहता है। पीछे बैठे लोग इधर उधर पटकाते रहते हैं और रामलाल सीधा सोनमपुर में ही रोकता है। उसके परिवार वाले गुस्से में उतरते हैं और बोलते हैं, अरे ये है तेरा उड़ने वाला रिक्शा, तू ऐसे चला रहा था जैसे हमारी आखिरी दिन हो, ठीक से चलाना नहीं आता क्या? अरे आपने ही तो बोला था उड़ने वाला रिक्शा में बैठना है, तो यही है उड़ने वाला, अब पैसे दो और निकलो। ये लो 200 रुपए, अब तुम्हारे रिक्शा में हमें कभी नहीं बैठना है। रामलाल फिर से अपने रिक्शा लेता है और तेजी से चलाता हुआ वापस मार्केट आता है और वहाँ भी बड़ी तेजी के साथ गाड़ी रोकता है। दूसरे लोग उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे देख के चलाइए ना, मुझे अभी चोट लग जाती। तो देख के तुम चलो ना, मैं तो देख के ही चला रहा हूँ, लगता है तुम ठीक से नहीं देख रहे हो। रामलाल सभी से उल्टे बहस करने में लगता है और उसे किसी की बात समझ में नहीं आती है। वो खुद को सही साबित करने के चक्कर में सबको गलत ठहरा देता है। अरे तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, कहीं तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें कोई नुकसान ना झेलनी पड़े। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मत सिखाओ, सामने से हटो, मेरे ग्राहक आ रहे हैं। रामलाल तेजी से अनाउंसमेंट करने लगता है, उड़ने वाली रिक्शा में बैठो और जल्दी से घर पहुँच जाओ, आओ आओ जल्दी आओ, नहीं तो दूसरा बैठ जाएगा। ये सुन के एक आदमी आता है और बोलता है, क्या सच में ये उड़ने वाली रिक्शा है? हाँ भाईजान, इसे मैं ऐसे चलाऊंगा कि रिक्शा हवा में उड़ने लगेगी, आप बैठो तो सही। हाँ हाँ मैं बैठता हूँ। वो आदमी बैठता है और रामलाल अपनी रिक्शा चलाना शुरू करता है और फिर से इतनी तेजी से चलाता है कि सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसके गाड़ी से बच बच के भागते हैं। अंदर बैठा आदमी डरा हुआ चिल्लाता रहता है, बचाओ बचाओ,
गाड़ी रोको, मुझे उतारो यहाँ। अब तो ये गाड़ी सीधा पहुँच कर ही रुकेगी। और रामलाल गाड़ी तेजी से चलाता रहता है, तभी एक बच्चा सामने आ जाता है और रिक्शा का ब्रेक नहीं मार पाता और उस बच्चे को ठोक देता है। जब रामलाल बाहर आता है तो देखता है कि ये उसी का बेटा बंटी है और जख्मी हुआ होता है। रामलाल ये देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने, अपने बेटे को ठोक दिया मैंने, ये क्या कर दिया। और रामलाल रोता हुआ उस गाड़ी से बेटे को हॉस्पिटल लेके जाता है और इलाज कराता है। बेचारा रामलाल अपने कारनामे में खूब पछताता है और दोबारा रिक्शा को हवा में उड़ा के नहीं चलाता है और तब से रामलाल गाड़ी धीरे चलाना लगता है। संदेश, हमेशा अपनी गाड़ी धीरे चलाइए, तेज रफ्तार से किसी की जान जा सकती है या खुद की भी जान जा सकती है। गाड़ी को कम से कम स्पीड में ही चलाइए।